पटना जूगढ़ में आए घूमने के लिए, आए एंजॉय करने के लिए आए, अगर मूंगफली का मजा नहीं लिए तो फिर बेकार ही है भाई। पटना जू का जो पशु पक्षी से तमाम चीज है, तमाम जानवर है, सबका लुत्फ उठाना है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आते हैं घूमने के लिए। हम लोग से राय लेंगे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी कि राहुल गांधी। अभी के माहौल देखते हुए नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। अच्छा जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल अभी लग रहा है कि सब पे भी नरेंद्र मोदी की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। राहुल गांधी क्यों? इसलिए कि ये राहुल गांधी है ना जो नई पीढ़ी के है। अच्छा। अगली सोच ये लेकर चल रहे हैं। लेकिन मालूम है कि नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं? आप दोनों चीज बोल रहे हैं कि अभी तक तो नहीं बता सकते, लेकिन मालूम है कि मालूम है, सारे आदमी बोलते हैं। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी विजय पाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे थे कि मैं विदेश से काला धन लेकर आऊंगा। 5 साल हो गया, 1 पैसा लेकर आए नहीं लेकर आए। ये अपने वोट जिताने के लिए 5 साल में कुछ नहीं किए, लेकिन ये लास्ट में एकदम वोट पर ये पाकिस्तान वाला जो स्ट्राइक हुआ ये लास्ट में दिखाए, ये बीच में मौका उनको नहीं मिला था। मोदी ही सही है, वो अभी 5 साल और रहेंगे, 5 साल के बाद देखा जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी तो मोदी ही सही है, उन्हीं का भी लहर है, मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी बनेंगे क्यों? क्योंकि अच्छा काम किए हैं और उन्हीं का भी लहर है और वही चांस है बिल्कुल कि नरेंद्र मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। हम चले आए पटना का ऐतिहासिक जू घर के बिल्कुल बाहरी हिस्सा में। यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं तमाम गुमटियाँ लगे हुए, चाट पकौड़े से लेकर फास्ट फूड का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, समोसा का है, तमाम चीज़ है। और मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24x7 एक बार फिर तमाम घूमने वाले, एंजॉय करने वाले और साथ में जितने ठेला और लिट्टी का जो इस तरह का जो काउंटर लगाए हुए, हम उनसे भी राय लेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी। तो शुरू करते हैं ये जंग का ये शुरुआत। पटना जूगढ़ में आए घूमने के लिए, आए एंजॉय करने के लिए आए, अगर मूँगफली का मज़ा नहीं लिए तो फिर बेकार ही है भाई। ये देख सकते हैं पॉपकॉर्न है, तमाम चीज़ यहाँ आइटम, यहाँ चिप्स का भी आइटम है, बहुत तरह के आइटम है। चलिए मूँगफली बेचने वाले से भी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इनके मन में भी हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आइए उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल जी बताइए, मूँगफली और पॉपकॉर्न का कारोबार चल रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर जो बेच रहे हैं? अंदाज़ा बहुत तरह के कस्टमर आते हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत तरह कस्टमर आते हैं, बेचते हैं। बेचने के बावजूद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? अगला प्रधानमंत्री के अभी के माहौल देखते हुए नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। अच्छा जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल अभी लग रहा है कि सब पे भी नरेंद्र मोदी की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। चलिए एक और हमारे बंधु हैं और यहाँ भी मूँगफली का और पॉपकॉर्न का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ बहुत लोग आते हैं, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं मूँगफली खाकर कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी। क्या नाम है? मेरा नाम है शिव कुमार। शिव कुमार जी बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? अभी तक तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मालूम है कि नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। आप दोनों चीज बोल रहे हैं कि अभी तक तो नहीं बता सकते, लेकिन मालूम है कि मालूम है, सारे आदमी बोलते हैं। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी विजय पाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ बनेंगे। क्यों, कैसा लगता है आपको? लोग की आवाज़ से सुनते हैं। क्या सुनते हैं? वही सुनते हैं, हर जगह चर्चा की वही बनेंगे। आपको लग रहा है कि वही मतलब कि प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना? लग तो रहा है। चलिए ठीक है, ऐसे ही और लोगों से भी जानकारी ले लेते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। चलिए पटना जू के बाहर में आप देख सकते हैं, ये आप जो की रिंग जो कहा जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कुछ और है, दर्पण है, तमाम चीज़ यहाँ पर जो है ये अपना कारोबार को अपना बखूबी निभा रहे हैं। हम इनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। भैया जैसा आईना दिखाइए जरा, ये कितने का पड़ता है जी? 150। क्या चीज़ का है ये? संघ का है। संघ का, ये देख सकते हैं, ये दूसरे को आईना दिखलाने का काम बहुत जो अच्छे से करते हैं। आज खुद आईना हम भी देख रहे हैं, दर्पण हम देख रहे हैं,
हम इनसे पूछना चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? क्या नाम हुआ? अनिल वर्मा। अनिल वर्मा जी बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। क्यों? इसलिए ये राहुल गांधी है ना जो नई पीढ़ी के अगली सोच ये लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे थे कि मैं विदेश से काला धन लेकर आऊंगा, 5 साल हो गया, एक पैसा लेकर आए? अच्छा। नहीं लेकर आए। ये अपने वोट जिताने के लिए 5 साल में कुछ नहीं किए, लेकिन ये लास्ट में एकदम वोट पर ये पाकिस्तान वाला जो स्ट्राइक हुआ ये लास्ट में देखा है, ये बीच में मौका उनको नहीं मिला था, ये भी तो एक मुद्दा है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी? एकदम राहुल गांधी को आना ही है, श्योरली। और ऐसे ही तमाम लोगों से हम जानकारी देते हैं, और यहाँ पर देखिए ईख का कारोबार करते हैं, और लोगों को जो गर्मी है उनके एहसास को, प्यास जो होता है वो बुझाना चाहते हैं, ईख का कारोबार करते हैं। क्या नाम हुआ? सुभाष जी बताइए, ये कैसे गिलास बेच रहे हैं? 10 रुपया है और बड़ा गिलास 20 रुपया। ये बताइए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? अब ऐसे सर कैसे बताया जाए, उसको मालूम चलेगा? ऐसे कोई पता लगेगा? वोट देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, जब ये कौन बनते हैं वही तो कैसे कहा जाएगा, पता नहीं चल पा रहा है ना, अभी नहीं पता चल। चलिए, पता नहीं चल पा रहा है इनका भी, बिल्कुल सही बात है कि भाई पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये गन्ने का जो जूस है जो निकाला जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है पटना जू के बाहर में आप देख सकते हैं, गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर ये कारोबार अपना यहाँ पर लगे हुए हैं, और तमाम चीज़ जो है ये चीज़ है पटना का जू के बाहर का ये हिस्सा जो है, बाहरी हिस्सा है। चलिए कुछ और गोलगप्पे वाला से भी हम जानकारी ले लेते हैं। भाई यहाँ देख सकते हैं तैयारियाँ चल रही है कि भाई कस्टमर आने का समय हो गया है, और ये चाट का ये जो देख सकते हैं काबली का है, ये समोसा है, ये गोलगप्पा है। गोलगप्पा कैसे बेचते हैं भैया? 10 का 6 है सर। 10 का 6। नाम क्या हुआ आपका? संजय कुमार। संजय जी बताइए, गोलगप्पा का कारोबार कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है? अभी तो सर नवरात्रि है तो नहीं चल रहा है। नवरात्रि है? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा मोड़ा चलता है। देश का अगला प्रधानमंत्री क्या लग रहा है, कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी? मोदी ही चाहिए, मोदी ही सेट है। गोलगप्पा आपका स्वादिष्ट है क्या? हाँ, खिलाइए। अभी तो बना रहे हैं सर, खिलाते हैं। तो ऐसे दीजिए तो एक दो दो एक। और ये इनका वाकई में जिस तरह का तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये आप देख सकते हैं ये गोलगप्पा है, इनका दुकान का गोलगप्पा है, संजय जी का है। और इनका कहना भी है कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता, हम इनको स्वाद लेना चाहते हैं कैसा है, बिना पानी का है भैया, आप लोग ललचाइएगा मत, फिर हम आपको भी खिलाएंगे। खुश स्वाद है भाई, स्वाद के बीच में चुनाव का जब चर्चा होता है तो मज़ा ही कुछ और होता है ना, वो मज़ा लेने के लिए आए पटना जू का बाहर का है ये। जो तमाम जगह जो देख रहे हैं, तमाम जगह से लोग घूमने के लिए आते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं, तमाम जो पटना जू का जो पशु पक्षी से तमाम चीज़ है, तमाम जानवर है, सब पर लुत्फ उठाना है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आते हैं घूमने के लिए। हम लोग से राय लेंगे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी कि राहुल गांधी, ऐसे ही आप देखते रहिए। और फिर के लिए तो मोदी ही ठीक है। जी जी, क्या? मोदी ही सही है, वो अभी 5 साल और रहेंगे, 5 साल के बाद देखा जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तो मोदी ही सही है, उन्हीं का भी लहर है, मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी और घर घर मोदी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तमाम जगह जो है। और ये आइसक्रीम का यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत आइसक्रीम का जो है वो गर्मी का एहसास को बिल्कुल नहीं देखने देगा, ठंडा का एहसास कराया। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र सर। खड़ा हो जाइए वीरेंद्र जी, बताइए वीरेंद्र जी, आइसक्रीम स्वाद वाला है, ठंडा रहता है? हाँ सर। 5 रुपया वाला आइसक्रीम है? हाँ सर। हैं? हाँ। ये तो एक 5 रुपया वाला, और देखते हैं हम 5 रुपया से शुरुआत करते हैं, आइसक्रीम का मज़ा कैसा लगता है, खूब मज़ा आता है, बच्चों का पहली पसंद है वो नहीं है घंटी वाला। और एहसास दिलाना चाहते हैं कि पटना जू के बाहर में
कैसा मज़ा आता है लोगों से राय जानने के लिए कि देश का अगले प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी। इसको खोलिए और ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आइसक्रीम आप लोग के सामने। हम क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बनेंगे? आपको क्या लग रहा है? मोदी क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ, मोदी बनेंगे। कितना दिन से बेच रहे हैं आप? यहाँ तो बहुत दिन से बेच रहे हैं सर। हाँ, बहुत दिन से। बढ़िया लग रहा है? हाँ, देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ सर। चलिए भाई, ये आइसक्रीम का लुप है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम से ये दुकान है। आपका नाम वो बताएंगे? नहीं, मेरा नाम राजू कुमार है। राजू बताओ, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी बनेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा काम किए हैं और उन्हीं का भी लहर है और वही चांस है बिल्कुल कि नरेंद्र मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। हाँ जी, यहाँ देखिए आप, पेटीएम का व्यवस्था है। यहाँ एक छोटा सा गुमटी आप जो देख सकते हैं, चलंत गाड़ी है जो है, और इसमें खासियत है कि पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर का ये व्यवस्था किया गया है। कैश नहीं है, कार्ड है, तो कार्ड से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। हम इनसे भी जानकारी लेते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, क्या नाम हुआ? नितेश बेसरा जमुई डिस्ट्रिक्ट के हैं। जमुई डिस्ट्रिक्ट का, तो बताइए क्या लग रहा है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? देश का बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी ही बनना चाहिए। क्यों? ऐसे मोदी माने बहुत सारा व्यवस्था देता है हर जगह पर, सारा चीज़ का, देहात वगैरह में भी सारा चीज़ का, सड़क का, बिजली का, सप्लाई वाटर का सब व्यवस्था देता है। हम लोग भी शहर में ड्यूटी करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, ऐसे ही कोई में भी काम करते हैं तो अच्छा से करते हैं। यही है कि दिक्कत थोड़ा सा है कि रोड पर हम लोग दुकानदार हैं कि दुकान चला रहे हैं, ताकि जगह दिया जाए सेपरेट तो अच्छा होगा। ये अतिक्रमण के द्वारा मैंने कभी कभी भगाया जाता है, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग भी दो पैसा कमाते हैं, वही में खुश रहते हैं। यही सब आगे भी रहना चाहिए, इस साल मोदी जी का ही इंतजार है। तो देखे ना, ये पटना जू जो कि पूरे देश का ऐतिहासिक जू में से एक है, और यहाँ तमाम जगह से लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, सर सपाटा करने के लिए आते हैं। हम लोगों से राय जाने हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। लोगों ने बताया कि राहुल गांधी, किसी ने बताया नरेंद्र मोदी। अब देखना है इस सियासत की जंग में किसकी जीत होती है, राहुल गांधी की जीत होती है या नरेंद्र मोदी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार के लिए। आप तमाम लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो देखिए और ऐसे ही आइसक्रीम खाकर गर्मी को बुझाइए। हम आपसे विदा लेते हैं।